हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पहले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा, इलेक्ट्रिसिटी के करेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने देखा। आइए आज एक इसी चैप्टर से एक नया टर्म स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या चीज होती है, पोटेंशियल किसे कहते हैं? पोटेंशियल क्या चीज है, किसे कहते हैं? तो देखो, किसी भी कंडक्टर के एक पॉइंट पर इंफिनिटिव से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटिव टू अ पॉइंट ऑन ए कंडक्टर, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो द वर्क डन टू कैरी वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट ऑन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के किसी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटिव से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, यानी पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट में नापते हैं। इसी चीज को हम लोग एक दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। आइए अभी हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। एक्चुअल में किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो हम लोग टर्म यूज करेंगे वो पोटेंशियल का ना करके बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते हैं। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, किसी भी कंडक्टर के दो पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल्स होते हैं उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स के डिफरेंस को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि दो पॉइंट है ए और बी, और पॉइंट ए पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए कंडक्टर through which a current is flowing is the amount of work done to move a unit charge from A to B। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स A और B के बीच में किसी भी कंडक्टर पर जिसमें करंट बह रहा हो वो वह अमाउंट ऑफ वर्क है जो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक मूव कराने में होता है। यानी पॉइंट किसी भी कंडक्टर के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इफ डब्ल्यू इज work done to move a charge q from a point a to b, मान लेते हैं कि w जो है वो वह work done है जो एक unit positive charge को या q चार्ज को ए से बी तक ले जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वी, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हम इस इक्वेशन को एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू वी क्यू। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो वोल्ट, तो यूनिट ऑफ V इक्वल टू यूनिट ऑफ W अपॉन यूनिट ऑफ Q, दैट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। तो जूल पर कूलम इज ऑल्सो डिनोटेड बाई वोल्ट। जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो वॉट विल बी द वन वोल्ट, वन वोल्ट क्या होगा, वन वोल्ट कितना होगा? तो अगर किसी भी कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में एक कूलम चार्ज को मूव कराने में एक जूल वर्क खर्च होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एनालिसिस होगा वो वन वोल्ट के बराबर होता है। किसी भी कंडक्टर के दो पॉइंट्स पर एक कूलम चार्ज को मूव कराने में यदि एक जूल वर्क खर्च होता है तो उस कंडक्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वन वोल्ट होगा। वन वोल्ट क्या चीज है?
इसे कहेंगे 1 वोल्ट. तो इफ 1 जूल वर्क डन टू मूव 1 यूनिट ऑफ टू मूव 1 कूलम ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट. 1 जूल वर्क डन अगर होता है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 1 वोल्ट होता है. आइए अभी हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने देखा है सब जगह पे जहां भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जुड़े होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अपनी एक सर्किट बनी होती है. डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो वायर के द्वारा जुड़े जाते हैं, चाहे वो बैटरी हो जो कि सोर्स ऑफ करंट हो, या फिर लोड्स हो. लोड्स में तमाम चीजें आती हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हुआ, स्विचेस हुए. तो ये सारी चीजें जो जुड़ती हैं एक क्रम में जुड़ती हैं, और इसी क्रम को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ये पूरी की पूरी सर्किट जो होती है वो वायर्स के द्वारा जुड़ी होती है, जिसमें कॉपर के वायर्स या फिर एल्यूमिनियम के वायर्स या कोई भी कंडक्टिंग वायर्स जो होता है वो लगा हुआ होता है. तो जो इलेक्ट्रिक पावर होगा, जिससे इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होता है, उसको भी हम लोग शो करते हैं. और जितने भी लोड होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फैन हो, चाहे वो बल्ब हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो, इन सबको जो जोड़ने से जो एक डायग्राम बनता है उसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो हम लोग पेपर पे ड्रॉ करते हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हम लोग भिन्न भिन्न सिंबल्स का यूज करके करते हैं. उसके लिए सोर्स का सिंबल, स्विच का सिंबल, या फिर अगर हम लोग मान लेते हैं कि उसमें हम लोग कोई भी ऐसी चीज जोड़ते हैं जो उस सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करे, जैसे गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल. करंट को रेगुलेट करने के लिए रोजटेक का यूज किया जाता है, तो रोजटेक का सिंबल, या जिसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं उसका सिंबल, बल्ब का सिंबल. ये सारे सिंबल्स जो है हम लोग डायग्रामेटिकली बनाते हैं, और इससे जो एक डायग्राम सर्किट का डायग्राम बन करके आता है उसे ही हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं. तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज है. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बिटवीन टू पॉइंट्स या फिर इसको इस तरह से लिखें, a source of electric power or an AC source loads and switches and switches and other elements connected together by wires from an form and formed an electric circuit. Form an electric circuit. A diagram showing the way
a diagram showing the way the electric devices are connected together in a circuit is called circuit diagram. तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम लोग देखते हैं कि भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, और इसी को हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। कोई भी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं या जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इन सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिंबल यूज करते हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से सिंबल्स किसी भी सर्किट को बनाने में यूज किए जाते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे कि वायर्स जिनसे सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं। तो वायर को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, या किसी को कहते हैं लोग कंडक्टिंग वायर। अगर मान लेते हैं कि एक वायर से हमें दूसरे वायर को जोड़ना है, तो इस तरह से हम लोग इसको शो करेंगे। ये बताता है हमें कि वायर जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं, वायर ज्वाइंट्स, वायर ज्वाइंट्स। अगर एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है, तो जहां से क्रॉस करता है वहां पे हम लोग इस तरह से सिंबल बनाते हैं। तो वायर क्रॉस्ड विदाउट टचिंग, बिना टच किए ये वायर एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है। अगर कोई भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसको हम लोग इस सिंबल से शो करते हैं, ये रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से बनाएं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग रोस्टेट कहते हैं, रोस्टेट। इसका यूज किसी भी सर्किट के अंदर अमाउंट ऑफ करंट डिसाइड करने के लिए किया जाता है, कि किसी भी सर्किट में हमें एक फिक्स अमाउंट का करंट अगर भेजना है, तो इसके द्वारा हम लोग करंट को मैनेज कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इस तरह का सिंबल बनाते हैं, तो ये एक ओपन स्विच है, ओपन स्विच। लेकिन अगर ये स्विच इस तरह से बनी हुई है, तो ये क्लोज्ड स्विच है, क्लोज्ड स्विच। ओपन स्विच का मतलब हुआ कि सर्किट के अंदर स्विच जो है वो ऑफ है, और क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है कि सर्किट में स्विच जो है वो ऑन है। अगर सर्किट में हम लोग स्विच को क्लोज कर दें, तो करंट फ्लो करने लगती है, लेकिन अगर स्विच जो है वो ऑफ है, ओपन है, तो वो स्विच ऑफ रहेगी और उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। एक और हम लोग तरह से स्विच बनाते हैं, इस तरह से ये ओपन स्विच है, जबकि इस तरह से अगर हम लोग स्विच बनाएं, तो ये क्लोज्ड स्विच होती है, क्लोज्ड स्विच। ये ओपन स्विच, या इसी को हम लोग टैपिंग स्विच भी कहते हैं, टैपिंग स्विच, और ये क्लोज्ड स्विच है, क्लोज्ड स्विच।
और भी बहुत सारे ऐसे ही सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अगर बल्ब का सिंबल हमें बनाना है तो बल्ब के लिए हम लोग सिंबल्स बनाते हैं इस तरह से। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, शेड, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी, बैटरी, बैटरी क्या चीज होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, दो या दो से ज्यादा सेलों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं। अगर फैन का डायग्राम बनाना है तो फैन इस तरह से बनाते हैं, फैन का सिंबल हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। तो ये सारे सिंबल्स इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में हम लोग हमेशा इन्हीं सिंबल का यूज करते हैं। आइए देखते हैं एक सर्किट कैसे बनाई जाती है और एक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोग कैसे कैसे जोड़ते हैं। किसी भी सर्किट के अंदर जितने भी लोड्स होंगे या जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करते हैं। सपोज करो कि एक सर्किट हमने ये बनाया जिसमें हमने एक सेल लगाया और इस सेल के वायर को ले आकर से हमने जोड़ दिया एक बल्ब से। इसमें हमने एक अमीटर लगाया। अगर हमें इस बल्ब के दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिटेक्ट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिटेक्ट करने के लिए वोल्ट मीटर जो होता है वो हम उस इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल जोड़ते हैं। सर्किट में वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल जोड़ता है, जबकि सर्किट के अंदर अमीटर जो होगा वो अमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी सेल या बैटरी से करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो करंट की जो फ्लो होती है वो हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। करंट हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, जबकि करंट जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से एक सर्किट का फॉर्मेशन होता है जिसमें हमने कंपोनेंट्स जोड़ दिए हैं। अगर एक और सर्किट बनाना चाहें जिसमें हम लोग कोई भी एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो इस तरह से हम सर्किट बनाएंगे। यहां पे हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी और यहां पे हम लोग जोड़ देंगे अमीटर। अगर इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो ये पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वोल्टमीटर जोड़ते हैं और यहां पे हम लोग स्विच लगा देते हैं। स्विच, ओपन स्विच, और जब इस स्विच को हम क्लोज करेंगे तो करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हम लोग सर्किट
का डायग्राम शो कर लेते हैं, डायग्राम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आइए अभी हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे, नई चीज के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो रिलेशंस है उसको ओम्स ने डिटरमिन किया था, इसीलिए इसको ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ओम्स लॉ क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ओम्स लॉ, और इस ओम्स लॉ का यूज आपको पूरे के पूरे चैप्टर में करना है। इसके बाद हर जगह ओम्स लॉ का ही मैक्सिमम टाइम्स पे यूज किया जाएगा। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ किसे कहते हैं, कौन सी चीज है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन ए कंडक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। Constant temperature पर किसी भी कंडक्टर के अंदर बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उस कंडक्टर के दोनों सिरों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। यानी अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो I इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू I या V इक्वल टू R I, वेयर R इज द कांस्टेंट, R एक कांस्टेंट है विच इज नोन एज known as resistance, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। V equal to R I या V equal to I R, we can write this equation in different forms, V equal to I R. Then if we want to calculate the current, then I equal to V upon R. If we want to calculate resistance, then R equal to V upon I. And we will use these forms of equation to solve numerical problems. ये तीनों इक्वेशंस जो कि एक ही इक्वेशन ओम्स लॉ के मॉडिफाइड फॉर्म है, तो इन तीनों इक्वेशंस का यूज हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें एक नई चीज मिलती है, वो है आर यानी रेजिस्टेंस, आर दैट इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर मान लेते हैं कि हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में, ये करंट आई और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वी, आई एम्पियर में
और वी वोल्ट में। अगर हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। जब कभी भी दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होता है, तो ऐसे में इनके बीच का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। हमेशा जब कभी भी हम लोग इस बात को करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप वाली जो क्वांटिटीज होती हैं उनके बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो जो ग्राफ है बी और आई के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन है जो सीधे निकल जाता है, और इसी से ये साबित हो जाता है क्या कि v इक्वल टू आर आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन को जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, यानी y इक्वल टू एम एक्स। y इक्वल टू एम एक्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो ये ग्राफ शो करता है। तो अभी जो हमको एक नई चीज मिली रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। रेजिस्टेंस क्या चीज है, कैसे है, तो इस चीज को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक आप लोग इतनी सारी चीजों को तैयार करिए, नोट्स बनाइए, फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले याद करिए ताकि आगे चल करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।